में पट्टी फंसाकर लोगों के पैसे निकालने वाले एटीएम के चोर एक चौकन्ना गार्ड की सूझबूझ से पकड़े गए। गार्ड ने इन चोरों को पकड़कर एटीएम में ही बंद कर दिया था। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला तिराहे पर बदमाशों ने एटीएम में घुसकर एटीएम मशीन से चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात गार्ड ने चोरी की भनक लगते ही दोनों बदमाशों को धर दबोचा और एटीएम का शटर डाउन कर दिया। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से लोहे की 7 अलग अलग रंगों की पट्टियां और 2000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई। दोनों बदमाशों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह का कहना है कि यह शातिर बदमाश पैसे निकालने वाली जगह पर लोहे की पट्टी लगा दिया करते थे। जब कोई भी व्यक्ति पैसे निकालता तो उनके पैसे वहां फंस जाते थे और उक्त व्यक्ति के बाहर निकलने के बाद यह शातिर बदमाश उन पैसों को आसानी से निकाल लिया करते थे। एटीएम के अंदर दो व्यक्तियों के द्वारा चोरी करते हुए पाए जाने की सूचना पर गंगनहर की पुलिस टीम के द्वारा जानकारी दी गई तो दो अभियुक्तों अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम निवासी मुजफ्फरपुर बिहार हाल निवासी ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद और आरिफ पुत्र ताहिर निवासी ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद के द्वारा एटीएम मशीन से रुपए निकलने वाले स्लॉट पर लोहे की पट्टियां लगाकर रुपयों को रोक देना और जब व्यक्ति वहां से चला जाता है तो उसके बाद उन पैसों को निकाल लेने का की स्वीकारोक्ति की गई। इस संबंध में अंतर्गत धारा 318 303 62 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए और उनके पास से रुपये बरामद करते हुए उन दोनों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।